नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रेवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बेहद ही रोमांचकारी जगह पे, जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। दोस्तों, दरअसल फतेहपुर सीकरी एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सीकरी। इस पूरी महल की जो बहुत बड़ी और बहुत रोमांचित करने वाली कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ, और इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। दरअसल एक छोटा सा गाँव था सीकरी, और यहाँ पर एक सूफी संत रहा करते थे जिनका नाम था सलीम चिश्ती। अकबर बहुत ही मायूस था कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद, वो एक बहुत बड़ा एम्परर होने के बावजूद उसके कोई संतान नहीं थी। वो बाबा से दुआ मांगने सलीम चिश्ती जी के पास यहाँ पर आया, और सलीम चिश्ती ने उन्हें बोला कि एक साल के अंदर अकबर को पुत्र धन प्राप्त होगा। एक साल के अंदर ही अकबर के यहाँ किलकारियाँ गूंज उठी और एक बेटे ने जन्म लिया। अकबर ने प्रसन्न होकर अपने बेटे का नाम सलीम ही रखा। यही सलीम बड़ा होकर बना जहांगीर। अकबर जब इतना प्रसन्न हुआ कि उसने यहाँ पर दुआ मांगी और उसकी दुआ कबूल हो गई, तो उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को ही बनाने का निश्चय किया, और पूरा अपना महल जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है यहीं पर बनाया। ये जो आप महल देख रहे हैं बिल्कुल सामने, ये तालाब है, अनूप तालाब, और इसके बीच में जो जगह है वहाँ पर तानसेन अपना रियाज करते थे और यहीं पे उनकी महफिल सजा करती थी। इसके सामने की जो इमारत दिख रहे हैं ये थी अकबर की। अकबर की हाइट कम थी, 5 फुट 2 इंच की हाइट थी, इसीलिए उनका जो महल था वो छोटी हाइट का बनवाया गया, ताकि अगर किसी भी राजा को आना हो तो उसको झुक कर आना पड़े। इसके सामने जो छोटे महल थे वो एक मुस्लिम पत्नी के थे और एक क्रिश्चियन पत्नी के लिए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा महल था वो था महारानी जोधाबाई के लिए। महारानी जोधाबाई का महल अपने आप में एक बहुत ही आलीशान इमारत थी, और उसके अंदर 108 मंदिर छोटे बड़े थे, और उनकी ये जो वेजिटेरियन रसोई आप देख रहे हैं ये वेजिटेरियन रसोई थी, और ये एक पूरा अपने आप में एक महल है। अगर आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो लगेगा कि एक महल के अंदर ही दूसरा महल बनाया गया था महारानी जोधाबाई के लिए। फतेहपुर सीकरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फतेहपुर सीकरी में जो सबसे शानदार इलाका है वो है जोधाबाई जी का जो महल है। मैंने यहाँ पे अकबर का रूम देखा, और उसकी जो मुस्लिम वाइफ थी, क्रिश्चियन वाइफ थी, उन सबके रूम बहुत स्मॉल थे। जो सबसे बड़ी हवेली दी गई है वो थी जोधाबाई जी की, जिसके अंदर 108 छोटे बड़े मंदिर थे। उनके दो महल थे, एक सर्दियों के लिए, एक गर्मियों के लिए, और हमेशा यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स उनकी तो सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल रहते थे। तो यहाँ पे दिखता है कि अकबर जोधाबाई को लेके कितने पर्टिकुलर थे, कितना उनका ध्यान रखा गया था, और ये ह्यूज कॉम्प्लेक्स है जो सिर्फ रानी जोधाबाई के लिए था। महारानी जोधाबाई का जो महल था उसकी एंट्री एल शेप की थी, ताकि बाहर से निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को यह ना पता लगे कि अंदर क्या चल रहा है, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत सारे किन्नर हमेशा तैनात रहते थे। फतेहपुर सीकरी का पूरा कॉम्प्लेक्स दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है जहाँ पर अकबर अपनी रानियों के साथ रहा करते थे, उनके नवरत्न भी वहाँ रहा करते थे, और उनको परामर्श देने के लिए कुछ पंडित थे जो भी वहाँ रहा करते थे। लेकिन जो दूसरा प्रेमिसेस है वो उन्होंने बनवाया था सूफी संत सलीम चिश्ती जी के लिए। जो आप दरगाह देख रहे हैं ये सलीम चिश्ती जी की कब्रगाह थी, और यहीं पर आज भी हज़ारों लोग अपनी मन्नत को मांगने यहाँ पर आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। इसके पीछे जो आप दरवाजे देख रहे हैं वो है बुलंद दरवाजा। अपनी हर विजय पे यहाँ पर एक बुलंद दरवाजा बनवाया गया। यह अत्यंत वैभवशाली है, बहुत ही सुंदर इसका पूरा प्रांगण है, और यह फतेहपुर सीकरी की पहली बिल्डिंग से भी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नज़र आती है। अकबर यहीं पर नमाज पढ़ने आया करते थे। अगर आप आगरा में हैं तो भी आप बहुत ही जल्दी फतेहपुर सीकरी आकर इसे देख सकते हैं, और अगर आप भरतपुर बर्ड सेंचुरी आए हैं तो सिर्फ 20 मिनट की डिस्टेंस पे फतेहपुर सीकरी है, वो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। गाइड की कॉस्ट वेरी करती है 300 रुपये से 500 रुपये के बीच में, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। सलीम चिश्ती जी की जो दरगाह संगमरमर की बनी हुई है, ये एक तरह से एक छोटा सा ताजमहल सा दिखाई देती है,
रेड सैंडस्टोन की इमारतों के बीच सफ़ेद संगमरमर की यह जो स्मारक है यह अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है। अकबर का एक भयंकर युद्ध चल रहा था गुजरात की रियासत के साथ। उस युद्ध में फतेह मिलने के बाद जब अकबर सीकरी गांव में आया तब इस गांव का नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। तो इस तरह से इस छोटे से गांव जिसका नाम सीकरी था वह बन गया फतेहपुर सीकरी, और यहीं पर हमारे देश की एक नव राजधानी स्थापित हुई जिसे अकबर ने किया था। लेकिन फ्रेंड्स, अकबर बहुत दिनों तक फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में उपयोग न कर सका। इसकी मुख्यतः दो समस्याएं रही, एक था पानी, पानी कम था और जो था वो बहुत खारा था, और दूसरा था कि पंजाब में विद्रोह के स्वर लगातार उठ रहे थे और अकबर को बार बार युद्ध के लिए पंजाब जाना पड़ रहा था, क्योंकि पंजाब का जो क्षेत्र है वह फतेहपुर सीकरी से बहुत दूर था। इसीलिए अकबर को बेमन से फतेहपुर सीकरी छोड़नी पड़ी और उसने अपना राज्य दोबारा से शिफ्ट किया दिल्ली की तरफ और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।